गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कि मैं आपको क्या बताई, जीवन की उत्पत्ति के बारे में बता रही थी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो क्वेसर बेट जो होते हैं या क्वेसर से भी जीवन की उत्पत्ति के बारे में माना जाता है कि उत्पत्ति हुई है। इसके बाद आप देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे जो होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इनके मिलने से भी क्या माना जाता है कि जो कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के अस्थि मंडल पर अनेक ज्वालामुखी थे जिनके फटते रहने के कारण भू कोड अथवा लावा निकल करके स्थल मंडल पर फैलता रहा। आदि वायुमंडल की नाइट्रोजन तथा कार्बन लावा के तत्वों से मिलकर क्रमशः नाइट्राइड एवं कार्बाइड के रूप में परिवर्तित होती रही, ठीक है। तो पृथ्वी के जो सूर्य में, मतलब इससे भी ये क्या माना गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो फिर है क्वेसर बेट। क्वेसर ओपरेन और फॉक्स का विचार था कि आदि जो पृथ्वी पर अजीवतन या फल स्वरूप में कार्बनिक अणुओं के मध्य अंतरणविक आकर्षण के कारण कोलाइड समूहों के निर्माण से क्वेसर बेट कहा गया। क्वेसर बेट जलीय अवस्था में ही अपेक्षा कार्बनिक बहुलक की संख्या अधिक होती थी। क्वेसर बेट इतने बड़े होते थे कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी से इतने बड़े होते इन्हें सूक्ष्म देखते थे या चयनात्मक रूप से प्रोटीन का अवशोषण करते थे, आकार एवं जटिलता में वृद्धि करते थे, क्वेसर बेट कहलाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन जो है, न्यूक्लियो प्रोटीन से भी किसी सरलतम जीव के निर्माण में मुक्त है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का आवश्यकता होती है, परंतु एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि सबसे पहले कौन सा उत्पादन हुआ, कौन आया, न्यूक्लिक अम्ल के अणु ना तो पहले आए की आवश्यकता हुई कि नहीं, इन सबके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। आप देखेंगे प्रोटोराइबोसोम, इस न्यूक्लिक अम्ल समान कणों का आकार तंतुमय गोलाकार होता है, इन्हें हम राइबोसोम का पूर्वगामी माना जाता है। प्रोटोवायरस, प्रोटोवायरस ये कुछ दीर्घ न्यूक्लियो प्रोटीन के स्वतंत्र जीवी जीनों के गुण होते हैं। ये स्वतंत्र जीवी जीन संरचना विषाणुओं से की जा सकती है, मतलब जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी हम बता रहे हैं जितना भी, ठीक है। अब देखिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक थे ओपेरन संकल्पना। ओपेरिन की जो संकल्पना थी, संकल्पना के अनुसार विभिन्न कार्बनिक यौगिकों से मिलकर गर्भ तनु द्रव में क्वेसर बेट का निर्माण किया। इसके पश्चात फास्फोलिपिड ध्रुवीय झिल्ली से घिरे हुए थे, इनमें न्यूक्लिक प्रोटीन विकसित हुए जिसे आदि कोशिका का निर्माण हुआ। आप देखेंगे कि आदि कोशिका की उत्पत्ति ओपेरिन तथा होरोविज संकल्पना, दूसरी होरोविज की ऑर्गेल संकल्पना। होरो बीज और ऑर्गेल ने बताया कि प्रथम जीव नग्न जीन, नेकेड जीन्स के रूप में बने, बाद में भोज पदार्थ की आवरण से इनका, मतलब झिल्ली का निर्माण हुआ। आदि कोशिका से कुछ गुण पाए जाते थे, जैसे हम सरल कोशिका रचना होती थी, केंद्र अंतःकेंद्रीय जालिका, गाल्गी वाड़ी, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकांड्रिया अनुपस्थित थे, न्यूक्लियो प्रोटीन आज की कोशिकाओं के समकक्ष था। इस प्रकार कोशिका में धीरे धीरे डीएनए के अनुवांशिक पदार्थों का उत्तरदायित्व ग्रहण किया तथा अनुवांशिक सूचनाओं को केंद्रक बना गया। पोषण विधियों का विकास, देखिए जीवन की उत्पत्ति में जो पोषण विधियां थी, क्वेसर बेट जल में घुलते नहीं थे, संभवतः लोहा, तांबा, कैल्शियम आदि अणु से मिलकर किन्हीं भी प्रोटीन के कार्बनिक उत्प्रेरक एंजाइम का कार्य किया। इस प्रकार क्वेसर बेट के घटक यौगिक के विघटनात्मक तथा परस्पर संश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया होने लगी, ठीक है। तो उपयुक्त वर्णों से स्पष्ट होता है कि रासायनिक परपोषी प्रकाश का पोषण होता था, यानी रासायनिक कोशी, रसायन संश्लेषी, इसे कीमोथेनसिस या रासायनिक संश्लेषण भी कहा जाता है, सल्फर जीवाणुओं में आज भी पाए, क्योंकि समुद्र में रहने वाले सल्फर जीवाणुओं में आज भी रासायनिक संश्लेषण पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो जीवन, जीवन की उत्पत्ति में बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, मत दिए गए थे, जिसके अनुसार हम ये बता सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति में क्या, सबसे पहला इसमें मेन जो आपको पेपर मोस्टली पूछता है, मिलर का प्रयोग। मिलर जो थे, स्टेनस मिलर जो थे, 1953 में होरलैंड यूरे शिकागो विश्वविद्यालय में अपने प्रयोगों में ओपेरिन की अवधारणा को सही सिद्ध किया। आदि वायुमंडल में समान परिस्थितियों में कृत्रिम रूप से विकसित कर उन्हें कार्बनिक यौगिक अमीनो अम्ल कृत्रिम निर्माण करने में सफल हुए। जल वाष्प, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन
गैसों को एक चैम्बर में बंद करके इलेक्ट्रोड की सहायता से विद्युत चिंगारियां उसमें पहुंचाई गई। विद्युत चिंगारियां आदि वायुमंडल में होने वाले वैद्युत झंझावट के समान प्रभाव उत्पन्न करने लगी। मिलर ने पाया कि कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल हाइड्रोजन साइनाइड एल्डिहाइड साइनो यौगिक आदि का निर्माण कक्ष में हुआ। ठीक है, तो मिलर ने क्या किया, देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग मिलर का जो प्रयोग था, ये प्रयोग है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 5 लीटर फ्लास्क है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के माध्यम से गैसें उत्पन्न की, चिंगारी उत्पन्न की, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, 500 ml फ्लास्क विद द बॉइलिंग वाटर है, तो ये मिलर का प्रयोग हुआ। ठीक है, मिलर प्रयोग इसे कहते हैं, आप देख सकते हैं। तो मिलर ने अपने प्रयोगों के द्वारा ये बताया, उन्होंने अमोनिया हाइड्रोजन गैसों को लेकर मीथेन गैसों से ये अनुपात करके ये प्रयोग किया। देखिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 148.7 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, ये आपको मालूम, पृथ्वी का व्यास लगभग 800 मील है, मतलब 6 रेक पावर 10 21 टन। ठीक है, देखिए, तो ये सब क्या है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत दिए गए थे। तो इसमें मिलर का और फ्रांसिस रेड्डी का बहुत इंपॉर्टेंट है और लुई पाश्चर का, इन तीनों में से एक आपको पेपर में मोस्टली पूछता ही है, तो आप इसका अच्छे से प्रिपरेशन करें।